हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्वाद का खजाना में। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ स्पेशल मटर कचौड़ी की रेसिपी। तो चलिए अब बनाते हैं। चार हमने हरी मिर्ची ली है, इसको हमने जार में डाल दिया है। और एक इंच का हमने अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको भी हमने जार में डाल दिया है। एक कटोरी मटर ली है, इसको भी हम जार में डाल देंगे। और हम इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार। कढ़ाई को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है और एक चम्मच ऑयल डाल दिया है। ये मेरा पेस्ट बन करके तैयार हो चुका है। और मैंने लिया है एक छोटा चम्मच सौंफ, एक छोटा चम्मच धनिया और एक छोटा चम्मच मैंने काली मिर्च ली है, गर्म मसाला, नमक टेस्ट अनुसार और लाल मिर्च पाउडर लिया है। तो सबसे पहले हम ये दरदरी मसालों को कूट करके थोड़ा तैयार कर लेंगे। तो मैंने इसमें डाल दी है काली मिर्ची और डाल रही हूँ मैं इसमें सौंफ और धनिया। इन सबको हम दरदरा सा पीस करके तैयार कर लेंगे। ये हमारा ऑयल गर्म हो गया है और इस ऑयल में हम ये खड़े मसाले डाल देंगे। इससे जो है कचौड़ी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और मैंने इसमें एक पिंच हींग डाल दी है और अब मैं ये अपना पेस्ट डाल रही हूँ मटर का। और इसको अच्छे से अब हम मिक्स कर देंगे। तो एक मिनट तक करीब हमको इसको भून लेना है। नमक डाल दिया है मैंने, गरम मसाला भी डाल दिया है और लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया है। अब हम इसको एक मिनट तक और भून लेते हैं। हमारा मसाला बन करके ये तैयार हो गया है और मैंने इसमें डाल दिया है हरा धनिया। इससे टेस्ट और भी अच्छा आएगा हमारी कचौड़ियों का। तो हमारा मसाला ठंडा हो रहा है, तब तक हम अपना डो लगा कर तैयार करते हैं। मैंने ली है 200 ग्राम मैदा और मैंने इसमें एक छोटा चम्मच अजवाइन को डाल दिया है, इससे टेस्ट अच्छा आता है। और मैंने डाल दिया है ऑयल और नमक डाल दिया है हल्का सा। इन सारी सामग्री को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक इसका सॉफ्ट सा डो बना करके हम तैयार करेंगे। डो मैंने बिल्कुल सॉफ्ट बनाया है रोटी के जैसा। और ये मेरी कढ़ाई इधर गर्म हो गई है और मैं इसके छोटे छोटे से पेड़े बना करके तैयार कर रही हूँ। इधर इस तरीके से आपको अच्छे से मिसलते हुए पेड़ा बना लेना है और इस तरीके से आपको कचौड़ी भरनी है। इससे हमारी कचौड़ी बहुत ही अच्छे से भरती है और कहीं से भी ये फूटती नहीं है। तो इस तरीके से रख करके आपको इसमें मसाला डाल देना है और इस तरीके से आपको इसको बंद कर देना है। इस तरीके से ये बना करके गोल जो है पेड़ा बना करके तैयार हो गया है उसी तरीके से। और इसको फिर हम चकले पर रख कर इसको एक या दो बेलन लगा करके हम इसको थोड़ा पतला कर लेंगे। और अब हम इसको हमारे ऑयल में डाल देते हैं। तो ये देखिए मैंने सारी कचौड़ियाँ डाल दी हैं और ये गोल्डन ब्राउन होने तक हमको इनको तलना है। इसको मैंने पलट भी दिया था बीच में। ये देखिए अब गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। तो हम सारी कचौड़ियों को निकाल करके तैयार कर लेते हैं। और आप भी मेरी ये मटर की कचौड़ी की रेसिपी को ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।